नमस्कार, मैं हूं धनश्री, के आर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 6 जुलाई को सीहोर नगर पालिका के होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए सीहोर की जनता से कमल के फूल का बटन दबाने की अपील करने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर आए तथा उन्होंने एक रोड शो के माध्यम से सीहोर नगर की जनता से सीहोर नगर पालिका के सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की। सीवन स्काई चौराहा चाणक्यपुर से रोड शो प्रारंभ हुआ तथा निर्धारित मार्गों से होता हुआ अटल चौराहा लीसा टॉकेज पहुंचा। यहां पर एक आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज आपका मुख्यमंत्री आपके बीच आप लोगों से अपील करने आया है कि आने वाली 6 तारीख को कहीं चूक ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजय बनाकर उन्हें नगर सरकार बनाने के लिए चुनकर भेजे और विकास की चिंता ना करें, सीहोर के विकास की जिम्मेदारी आप हमें सौंप दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुझे ज्ञात हुआ है कि सीहोर के कुछ कांग्रेस के लोग सीहोर में नर्मदा का जल कब आएगा को लेकर नपा के चुनाव में मुद्दा बना रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा का जल सीहोर आएगा, इसको लेकर नर्मदा कालीसिंध पार्वती लिंग योजना का कार्य शुरू हो जाएगा। इस योजना के माध्यम से सीहोर को भी नर्मदा का जल मिलेगा। जिस प्रकार उज्जैन में महाकाल मंदिर, सलकनपुर में विजयासन माता देवी का मंदिर का भव्य स्वरूप आप देखते हैं, उसी तरह सीहोर के चिंतामण गणेश मंदिर को भी भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। सीहोर से संवाददाता खालिद खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।